गाइस अस्सलामुअलैकुम। तो मैं वेलकम करता हूँ आप लोग अपने व्लॉग में। तो गाइस आज का हमारा कंटेंट ये है कि हम लोग आपके लिए एक सरप्राइज़ लाएंगे, अच्छा सा छोटा सा मोटा सा जैसा भी, ये छोटा सा है बिल्कुल। तो हम आपके लिए लाएंगे सरप्राइज़, जैसा कि मैंने कहा था मतलब 3-4 ब्लॉग से मैं बोले जा रहा हूँ 20 सब्सक्राइबर होंगे तो लाऊंगा अच्छा सरप्राइज़। तो अभी मैं ऐसे ला रहा हूँ छोटा मोटा सरप्राइज़, फिर मैं जब 20 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं अच्छा बड़ा सरप्राइज़ लाऊंगा। तो गाइस आज जुम्मा है, आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक मेरी तरफ से। तो आ जाए मेरी बहन की जानिब चलते और इनसे मिल लेते। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज आप लोगों को जुम्मा मुबारक, हम आपके लिए एक स्मॉल सा सरप्राइज लाएंगे जुम्मे की नमाज के बाद। तो गाइस सही बोला था ना, अभी अभी हम 12 बजे स्कूल से आए हैं, अभी 1 बज रहा है। तो अभी हमें नहा धोना है, फिर नमाज वगैरह पढ़ेंगे, नहा धोने के बाद भी मिल जाएंगे दोबारा से। तो मैंने अभी मिल गया हूँ, तो मैंने जैसा कहा आप लोगों के लिए सरप्राइज लाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा आपको। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सरप्राइज़ दिखे तो आपको इस वीडियो के साथ, पूरी वीडियो के साथ आपको जुड़े रहना पड़ेगा। तो इसलिए तो जुड़े रहें हमारी पूरी वीडियो के साथ। तो चलें मिलते हैं नहाने के बाद। तो मैं नहा धो के तैयार हो गया हूँ, तो अभी नमाज़ पढ़ने आ रहा हूँ, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो मिलेंगे नमाज़ पढ़ने के बाद आकर। तो मैंने बस दिखा रहा था मैं कैसा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ ना। तो हमारे मुर्गे खुड़े में टट्टी कर दी इन्होंने इतनी सारी, बड़ा ही गुस्सा आ रहा है इनके ऊपर तो मुझे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ना फिर नमाज़ पढ़ के आके मिलेंगे। मेरी बहन ये रही है घूम रही इधर उधर, तो फिर सही है, टोके अल्लाह फिर। तो गाइस तो मैं आ गया हूँ नमाज वमाज पढ़ के, फारिग एकदम हो गया हूँ और मेरी बहन नहा भी चुकी है। सो ठंड मंड लग रही है थोड़ी सी, मैं तो भाई बाहर गया था तो थोड़ी सी धूप हो रही थी तो मैंने वहीं लगा ली थी। तो यहाँ पर अब थोड़ी सी धूप बची है, चेक करो मतलब सूरज जा रहा है तो चेक कर लो कितनी सी है। और ये देखो नहा धोकर आ गई है और हमारे मुर्गों का हाल चाल देख लेते हैं। तो गाइस ये देखें हमारे मुर्गों का हाल चाल कैसे ठीक है, वो देखो मुर्गी शुरिया। अबे आज को और खुशखबरी देता हूँ, आज इसने एक और अंडा दिया। बताऊँ कौन सी वाली ने, अब मुझे पता चल गया कौन सी वाली ने अंडा दिया था, ये वाली ने दिया था, इस वाली ने दिया था और इस वाली ने भी दिया था। इस वाली ने वो जो पहले दिखाया था ना मैंने, वो ये जो मार रहा बोले मेरी बीवी को अच्छा होता है, जो पहले दिखाई थी ना उसने सुबह दिया था और ये जो उसका मुंह दिख रहा है सिर्फ इसने अभी थोड़ी देर पहले दिया है। तो गाइस चेक करो यार, तभी दोबारा दे दिया तो चेक करो। तो भाई मैंने बोला था जैसे कि व्लॉग के शुरू में कि आप लोग सरप्राइज लाएंगे, तो मैं जा रहा हूँ अब सरप्राइज लेने। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तो अभी मेरी बहन धूप धूप लगा लेगी, अब तक के मैं सरप्राइज भी लेकर आ जाऊँगा। तो अभी जुम्मा है, शायद जुम्मे में दुकानें वगैरह बंद हो तो फिर भी मैं लाने की कोशिश ज़रूर करूँगा, सही है। तो चलो मैं जा रहा हूँ सरप्राइज मिलने। तो गाइस मैं हम लोग ले आए इधर बाहर सरप्राइज़ आप लोगों का। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपने मतलब आप लोगों के लिए सरप्राइज़ तो लिया, मैंने 300 रुपये अपना खर्च करा है और मैंने एक चैलेंज भी करा था फ्लिप चैलेंज, उससे भी मेरे बहुत पैसे ज़्यादा हुए थे। मैं पैसे भी ज़्यादा कर रहा हूँ भाई, लेकिन सब्सक्राइब तो आ रहे नहीं है अभी तक, 13 सब्सक्राइबर हैं मेरे, कुछ तो ख्याल करो। चलो यार मेरी बहन तुम ही बोल दो यार, लाइक कर दें, 13 सब्सक्राइब हुआ है सिर्फ, क्या करें इतने पैसे खर्च होते, 500 रुपये अभी तक खर्च हो चुके। सही बात कही, करेक्ट इसने। तो आप लोगों का सरप्राइज दिखा देते हैं कि हम, तो आप लोगों का सरप्राइज, ये सरप्राइज तो ये है हमारा, ये है ये जो मिला है हम लोगों को सिर्फ 200 रुपये में मिला है, मट्टी वट्टी पौधे वोधे साथ। तो ये मिला हमें 200 रुपये में और एक ये लिया हमने, ये मतलब अजीब सा है मतलब सही है बस, ये हमें 100 रुपये का मिला है, गमला मट्टी सब साथ मिला है। तो मेरे को पौधे बहुत पसंद है तो मैंने ये ले लिया, ये वाला मैंने सोचा कि इसमें अपने पास से कोई पौधे उगाऊँगा, ये उगे उगाए आए हैं तो मैंने सोचा कि ये इसको हम उगाएंगे कोई सा अच्छा सा। तो हमने इधर इसमें अंदर पानी वानी भी डाल दिया, हमने थोड़ा सा इसको सजा दिया, हमने इसको थोड़ा सा सजा दिया, ये जो है ना ये ऑरेंज ऑरेंज मट्टी डाल दी। और यहाँ पे ये देखें एक और उग रहा है, यहाँ पे गाय ये देखें एक और उग रहा है, चेक करें मेरी बहन बोलिए माशाल्लाह। तो गाइस ये आप बताएं, ये आप लोगों के लिए टास्क है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ साफ साफ कि ये बताएं कि कौन सा पौधा है, कितना अच्छा लग रहा है ना यूँ दिखा रहा हूँ तो मैं, मेरे को तो पता है कौन सा, इसको तो पता है कौन सा लेकिन तुमसे नहीं पूछ रहा, मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप बताएं ये कौन सा पौधा है। तो ये आप लोगों के लिए टास्क है, ये आप लोग कॉमेंट में बताएंगे कौन सा पौधा है। तो गाइस ये चेक करें, ये खाली पूली सी है, खाला खाली सा है कुछ, देखें एक मिनट इधर देखते शायद कोई पौधा मौधा कहाँ है। ओह गाइस ये देखें एक और मिल गया हमें यहाँ पे, ये देखें ये रहा कहाँ है बे, ये रहा एक मिनट गाइस टूट जाएगा ये देखो टूट जाएगा। ओ गाइस नहीं टूटा बे, ये देखें गाइस अगर आपको दिख रहा हो ये जो देखें ये जो हिला रहा हूँ मैं,
तो ये पौधा है, दिख नहीं रहा था सही से, अब हमें दिख गया है। तो मुझे तो ये आले बड़े अच्छे लगे इसलिए मैंने ले लिए, और गमला भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, तो ये बड़े होंगे तो ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा फिर तो। तो हम इसमें आप कमेंट के भी करके बताइएगा इसमें हम कौन से पौधे उगाएं, बल्कि नहीं आप लोगों ने मैंने ये टास्क दिया हुआ ना, बल्कि आप यही बता दिए कि कौन सा पौधा है, तो अगर आपने बता दिए तो अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो बता दिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो गाइज मैं इसमें बताऊँ कौन सा पौधा उगाएं, कौन सा सोचते हैं आप बताएं यार कौन सा उगाऊँ। मैं तो सोच रहा हूँ टमाटर का उगा दें, लेकिन टमाटर का हम लोगों ने पहले उगा चुके हैं, बहुत पहले उगाया था हमने, इतना बड़ा तो हो गया था वो, टमाटर निकले थे बहुत सारे, बहुत सारे टमाटर निकले थे, फिर वो सड़ गया था, मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा था वो गमला, वो सड़ गया था, फिर वो ना उसने टमाटर दिए, फिर बोला चलो भाई अल्लाह फिर टाटा। तो इसलिए तो गाइस आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें, तो ये चेक कर लीजिए आप कितना अच्छा लग रहा है हमारे ये पौधे, मेरे को तो बड़े अच्छे लगे वाले पौधे, इसलिए मैंने ये वाले सेब का पौधा उगा लेते हैं इसमें, सेब का पौधा उगा लेते हैं इसमें। सेब अभी तो भाई सेब तो कहीं बाहर दिख भी नहीं रहा, तो सेब की बीज कहाँ से लाएंगे पागलो। मैं सोच रहा हूँ टमाटर को उगा लेते हैं। तो गाइस मैं नहीं सोचना पड़ेगा। तो गाइस मैं बोल रहा हूँ मैं टमाटर को उगा रहा हूँ, मैं टमाटर का बीज डाल दूंगा अभी, मैं टमाटर शायद टमाटर पड़ा हुआ मैं देख कर आता हूँ, जब तक के आप मेरी बहन बहन से बातें करें ये पकड़ लीजिएगा। और अरे हाँ, और मेरा फुल लुक देख लें मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, ये मेरा न्यू सूट है, मैंने न्यू सूट निकाला सिर्फ ब्लॉग के लिए, तो मेरी अम्मी तो मेरे को डांट के बोली थी नहीं पहने बेटा, तो चेक कर लें मेरा सूट कैसा है पकड़िएगा। तो गाइस कैसा लग रहा हूँ मैं आज, तो अच्छा लग रहा हूँ तो लाइक सब्सक्राइब करें मेरे लिए, और इधर आओ इधर आओ आ गया तुम अभी जा रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ना अगर लड़कियों कमेंट में बोल दो जो बोलना है, सही है ना, समझ जाओ मजाक कर रहा हूँ भाई, चलो मजाक कर रहा हूँ, तो खैर है वो तो खैर है। तो आप बताएं मैं कैसा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ मेरा न्यू लुक, न्यू ड्रेस कैसा लग रहा है, और जेबी भी बनवाई हुई है मैंने इसमें, तो ऐसा एक और सूट है लेकिन वो रखा हुआ, अगर वो निकाला मेरी मम्मी ना मेरे भूता बना देंगी, बोलेंगी साले व्लॉग के लिए निकालते रहे तो हैं, आए दिन निकालोगे नए कपड़े तो अच्छी बात नहीं है ना, चलो ला दिखाओ। और ये देखिए मेरी बहन का लुक कैसे लग रही है, वो शेमड़ी सी, ओ सॉरी शेमड़ी नहीं मतलब अच्छी लग रही है, कोट पहना हुआ है, टाइट्स पहने हुए हैं, सही लग रही है बस, तो सेम माशाल्लाह। तो गाइस मेरे अगर आपको सरप्राइज अच्छा लगा और मेरे पैसे जाए, और अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते नहीं है पैसे जाए होगा मेरे 300 रुपये। ये कितना अच्छा लुक है, अच्छा लुक है ना यार, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, कितना अलर्ट लग रहा है, मैंने यूं करा हुआ है तो ये वाला है ना, वाओ कौन सा है गाइस, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है ये वाला, बहुत बड़ा है। अगर आपको मेरा सरप्राइज अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा ब्लॉग भी अच्छा लगा तो भी लाइक सब्सक्राइब करें। तो भाई मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।